ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूँ रचा शर्मा। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे तो आपको याद होंगे ना, DGP बनने के एक साल के बाद ही उन्होंने अपनी सर्विस खत्म होने से 6 महीने पहले ही VRS ले लिया था और इसके साथ ही एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, राजनीति में आ गए थे। कुछ ही समय बाद फिर उन्होंने राजनीति से भी संन्यास ले लिया था और कथावाचक बन गए। उनका मन अब प्रभु की भक्ति में रम गया है और वो श्रीमद् भगवत कथा सुनाने लगे हैं। अब गुप्तेश्वर पांडे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जी हाँ, एक तस्वीर सामने आई, फिलहाल है वो स्कॉटलैंड में जहाँ पर उन्होंने पटना घुमाया है, लेकिन ये पटना जो है वो बिहार वाला पटना नहीं है, स्कॉटलैंड वाला पटना है। बिहार से 7000 किलोमीटर दूर स्कॉटलैंड में भी एक गांव है और इस गांव का नाम है पटना। हाल ही में बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने इस स्कॉटिश पटना का दौरा किया है और इस वीडियो को उन्होंने शेयर किया है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गुप्तेश्वर पांडे को इसी साल जगत गुरु रामानुजाचार्य की उपाधि भी दी गई थी और वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वो प्रभु की मुरली हैं और प्रभु जैसे बचाएंगे वो वैसे ही बचते रहेंगे। अब गुप्तेश्वर पांडे का ये नया अंदाज, इन्फ्लुएंसर वाला अंदाज भी आपको देखने को मिल रहा है। जब वो पहुंचे स्कॉटलैंड तो वहां पर उन्होंने पटना दिखाया, लेकिन ये पटना बिहार वाला नहीं था, ये पटना था स्कॉटलैंड वाला पटना। हालांकि स्कॉटलैंड का ये पटना DGP गुप्तेश्वर पांडे के अंदाज से घूमना आपको कैसा लग रहा है ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार तक।